लिटरली भाई तुम लोग जानते ही हो मैं भाई अपकमिंग मोबाइल गैलेक्सी सीजन 2 के थर्ड आर्क गंतार के ऊपर एक सीरीज बनाया हूँ, जहाँ पे मैं गंतार आर्क के एवरी एपिसोड्स की कहानी को कॉमिक के बेसिस पे एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ। टोटल वही 2 एपिसोड्स आ भी चुके हैं, जहाँ पे भाई मैं एपिसोड 1 और एपिसोड 2 को एक्सप्लेन किया हूँ। एपिसोड 1 में तो भाई तुम लोगों का काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स था, पर वही एपिसोड 2 में तुम लोगों का रिस्पॉन्स काफी बुरा है। सब्सक्राइबर्स भाई इतने लोग कहाँ गए यार, पर भाई जो भी भाई एपिसोड 3 में भाई गंतार आर्क का कहानी एकदम ही पीक पे पहुंच जाएगा और वही यहाँ पे असली मजा आएगा। सो वीडियो को पूरा देखना बनता है, सो स्टे ट्यून्ड। तो एपिसोड 2 के आखिर में भाई ऑटोबॉट को भी वाला मॉन्स्टर प्रोब की तरह ही कैप्चर कर लेता है। हां भाई ऑटोबॉट को भी अपनी शरीर का एक हिस्सा बना लेता है, जिससे भाई उसके बॉडी के पास टोटल 2 चीजें होता है, एक होता है प्रोब और एक होता है ऑटोबॉट। सो दोनों के पावर्स को यूज इस्तेमाल करने का काबिल था, इसलिए भाई ऑटोबॉट के पावर्स के माध्यम से भाई वो वाला मॉन्स्टर टेलीपोर्ट भी करने में काबिल था। और भाई बोबो बॉय ऑटोबॉट को बचाना पाने के वजह से काफी ही दिल से टूट गया था और भाई बोबो बॉय काफी ही होपलेस हो गया था। पर भाई अनफॉर्चुनेटली बोबो बॉय फिर से ठान लेता है वो भाई गंतार को ठीक से इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को डिफीट करके प्रोब और ऑटोबॉट को रेस्क्यू करेगा, जो भाई काफी एक अमेजिंग प्लान था। पर भाई बोबो बॉय को यह पता ही नहीं था कि भाई कैसे अपने गंतार वाले फ्यूजन के फुल पोटेंशियल को एक्टिव किया जाए, इसलिए भाई बोबो बॉय को और भी सोचना पड़ गया था अबाउट दिस टॉपिक। तो वही बातें करते हैं एपिसोड 3 के स्टार्टिंग के बारे में। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में वही अडूडू एक हफ्ते पहले वो वाला मॉन्स्टर कैसे बना था उसके बारे में ही बातें करेगा, जहाँ से भाई हमें पता लगेगा कैसे भी वाला मॉन्स्टर एक हफ्ते पहले बना था। एक्चुअली एक हफ्ते पहले न्यू बोर्ड असेंबली एरिया यानी कि जहाँ पे फैक्ट्री के लिए कोड बोर्ड नाम का एक पावर्स पेरा AI रोबोट्स बनाता है, उसी जगह पे भाई एक रोबोट काफी बुरे तरीके से काफी अजीब तरीके से बिहेवियर कर रहा था, कंटिन्यू वही काफी सारे कचरे खा रहा था। इसे देख के वही कोड बोर्ड वाला पावर्स पेरा समझ जाता है कि वही इस वाले रोबोट में दिक्कत है, इसलिए वही दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए कोड बोर्ड उस रोबोट को रिपेयर करने का ठान लेता है। इसलिए वही कोड बोर्ड उस वाले रोबोट को एक काफी आधुनिक मशीन के साथ कनेक्टेड करता है और वही उसी वक्त अडूडू और प्रोब कुछ ना जानते हुए फैक्ट्री के और एक कोने से एक गलत तार को देता है, जिससे भाई उस मशीन का कनेक्शन था और उस मशीन के साथ कनेक्शन था उस रोबोट का, भाई रोबोट के साथ कनेक्शन था कोड बोर्ड का जो भाई उसे ठीक कर रहा था, इसलिए भाई अडूडू और प्रोब के एक गलती के वजह से फैक्ट्री का पूरा सिस्टम ही हैंग कर जाता है, जिससे भाई वो वाला भूखा रोबोट और वो वाला कोड बोर्ड दोनों भाई मर्ज होके एक काफी खतरनाक लेवल का मॉन्स्टर बन जाता है, ज़ॉम्बी टाइप, जो भाई कैपेबल था किसी भी चीज को खाने के लिए क्योंकि भाई वो काफी भूखा था और भाई कैपेबल था कोड बोर्ड के वजह से किसी भी चीज को किसी भी और बॉडी को अपने बॉडी के साथ कनेक्ट या फिर मर्ज करने में कैपेबल था, जिससे वह एक काफी खतरनाक लेवल का तबाही मॉन्स्टर बनता है, जो भाई सबसे पहले प्रोब को खाके ही प्रोब को ही मर्ज कर लेता है अपने शरीर के अंदर। देन वही फैक्ट्री के एक भाई सेक्रेटरी रोबोट को भी खा लिया था या फिर मर्ज कर लिया था, पर भाई उसे भाई बोबो बॉय ने रेस्क्यू कर लिया था। सो भाई उसके बाद को वही छोड़ दो, पर वही जिसे करना चाहिए था यानी कि बोबो बॉय के सबसे करीबी का दोस्त ऑटोबॉट को उसे ही कर नहीं पाता रेस्क्यू और अल्टीमेटली बोबो बॉय काफी उदास हो जाता है। तो फिलहाल तो वही अभी उस मॉन्स्टर के पास दोनों है प्रोब और ऑटोबॉट। तो ये सब कहानी सुनने के बाद गोपाल काफी गुस्सा हो जाता है अडूडू के ऊपर और वही गोपाल अल्टीमेटली अडूडू को विश्वास भी करना नहीं चाह रहा था, बिकॉज वही अडूडू तो कोई अच्छा बंदा है नहीं। पर वही बाद में अडूडू प्रूफ करता है कि वही अगर वो झूठी बोलता तो वही सिर्फ ऑटोबॉट ही उस मॉन्स्टर के द्वारा कैप्चर होता प्रोब नहीं। और वही इसी वक्त वही बोबो बॉय भी काफी डिप्रेशन में था, वही बोबो बॉय कुछ बोलने का भी लायक नहीं था और वही कोहली भी आधा सो गया था, इसलिए वही ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट हो गया था कि इससे निकलना भी काफी मुश्किल हो गया था। और वही बोबो बॉय इतना डिप्रेशन में वही दोस्त भाग गया है, वही दोस्त चला गया है ऑटोबॉट है, वही कोई और नहीं, क्रश नहीं है वही। बाय द वे वही उसके बाद वही बोबो बॉय का टीम यानी कि बोबो बॉय कोहली गोपाल और अडूडू, हाँ अभी के लिए अडूडू भी है, फैक्ट्री के एक ऐसे खास जगह पे आके पहुंचता है जहाँ पे वही काफी अजीबोगरीब मशीनें रखे थे और वही इतने सारे अजीबोगरीब मशीन्स को देख के बोबो बॉय के दिल में थोड़ा सा वही होप जगा था और वही ठान लिया था अब तो वही कुछ ना कुछ उखाड़ के ही रहेगा। बेसिकली वही उस जगह पे काफी सारे बैटरीज रखे हुए थे और भाई उस जगह से पूरे फैक्ट्री में एनर्जी ट्रांसफर या फिर एनर्जी प्रोड्यूस होता है और भाई उसी जगह पे अडूडू और प्रोब मिलके दादागिरी करते हुए एक तार को छेड़ दिया था और भाई वो वाला मॉन्स्टर बन गया था। और भाई उसी जगह पे काफी सारे इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस हो रहे थे कोई रीजन के वगैरह, बिकॉज भाई वहाँ पे भाई काफी सारे मशीन खराब हो गए थे और भाई जब भी बोबो बॉय एक इलेक्ट्रिक सोर्स के आसपास जाता है तभी भाई बोबो बॉय के हाथ पे ऑटोमेटिकली ही इलेक्ट्रिक एनर्जी काम करने लगती
सकता है, यानी कि बोबोय का पावर्स धीरे धीरे एक्टिव हो रहे थे। और वे इसी बोबोय को समझ आ गया कि भाई गंधक को एक्टिव करने का एक ही रास्ता है, वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी। और वे तभी बोबोय ढेर सारे इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर लेता है उस मशीन से, उस खराब मशीन से बेसिकली। और वे इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करने के बाद भी बोबोय का एनर्जी का कोई लिमिट ही नहीं रहता। एक्चुअली भी बोबोय गंधार फ्यूजन के पावर्स एकदम पीक पे पहुंच जाते हैं, जिससे भी बोबोय खुद को कंट्रोल भी कर नहीं पा रहा था। बोबोय उछल कुछ कर रहा था मार पिटाई धुलाई करने के लिए। और वही अदुडू को बोबोय कहता है खाने का लालच दिखा के उस वाले मॉन्स्टर को बोबोय के सामने ले आने के लिए, इससे बोबोय उसका धुलाई कर पाए। और वही प्लान के मुताबिक अदुडू उस वाले मॉन्स्टर को काफी सारे कचरे, काफी सारे बैटरीज और काफी सारे मशीनों को खाने का लालच दिखा के बोबोय जहाँ पे था वहाँ पे बुला के ले आता है। और वही सेकंड प्लान के मुताबिक, यानी कि एक हिडन प्लान के मुताबिक, अदुडू 120% पावर के एक काफी खतरनाक और खौफनाक लेवल का इलेक्ट्रिक का झटका देता है उस वाले मॉन्स्टर को। और वही शायद से एपिसोड 3 को यहाँ पे एकदम से एंड कर दिया जाए, बिकॉज वही कहानी को तो वही एक्सपेंड करना ही पड़ेगा। 3 इश्यूज के कहानी को 4 एपिसोड में दिखाना पड़ेगा। सो तो भाई और क्या, बोबोय को पता लग गया कैसे भाई उसे अपने गंधार के पोटेंशियल को एक्टिव करना है। तो अब एपिसोड 4 में बातें करेंगे कैसे भी बोबोय अपने गंधार के पोटेंशियल को इस्तेमाल करके उस वाले मॉन्स्टर को हराएगा, और वे कैसे रेस्क्यू करेगा प्रोब और ऑचोवॉट को। तो स्टे ट्यून्ड एंड वेट फॉर एपिसोड 4। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।